नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अब जो है वो बहुत बेहतरीन आज मैं न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है, हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये ओनली इंदौर मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं है, ओनली ये पूरे इंडिया के हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए है जिसका सपना है डॉक्टर बनना। तो दोस्तों न्यूज़ है कि अब सरकार भरेगी MBBS की पूरी फीस, डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा हर एक नीट एस्पिरेंट्स का। सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS से प्रवेश लेने वाले छात्रों को फीस में राहत देगी सरकार। राज्य सरकार जो है वो फीस भरेगी, लेकिन शर्त यह रहेगी कि डिग्री के बाद उन्हें 5 साल गांव में रहकर सेवा करनी होगी। तो दोस्तों यह एक बहुत अच्छी न्यूज है, जिससे जो है वो अपना रूरल एरिया है वो भी बहुत सुदृढ़ होगा, जहाँ पर वाकई में डॉक्टर की पहुँच नहीं है और वो जब तक शहर पहुंचते हैं तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS में प्रवेश लेने वाले छात्रों की फ़ीस राज्य सरकार भरेगी, लेकिन शर्त ये रहेगी कि डिग्री के बाद उन्हें 5 साल गांव में रहकर सेवा करनी होगी। इनके लिए निजी कॉलेजों के छात्रों को 25 लाख और सरकारी कॉलेज के छात्रों को 5 लाख रुपये बॉन्ड भरकर सरकार को देना होगा। बॉन्ड टूटा तो पैसा सरकार रख लेगी, जितना पैसा सरकार ने फीस के लिए भरा है उतना पैसा उसे वापस मिल जाएगा। यह शर्त उन छात्रों पर लागू होगी जिनकी फीस सरकार मेधावी छात्र योजना के तहत भरेगी। मेधावी छात्र योजना अब जल्द ही लागू जो है वो होने वाली है। वैसे पहले भी इसको लागू किया गया था, लेकिन वो ओनली पर स्टेट पे लागू किया गया था, लेकिन अब पूरे इंडिया पर लागू होगा। दरअसल इसी साल से प्रदेश सरकार ने ये योजना लागू की है, जिसके तहत सामान्य श्रेणी के ऐसे छात्रों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी जिनके माता पिता की सालाना आय 6 लाख रुपए से कम है। सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों के 2 साल और निजी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 5 साल गांव में सेवा देने की शर्त है। डीन डॉक्टर शरद थोरा ने बताया कि यदि छात्र ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है और अन्य मापदंडों में वह खरा उतरता है तो छात्र की पढ़ाई का खर्च सरकार जरूर उठाएगी। ऐसे छात्रों के लिए ग्रामीण सेवा की अवधि और बॉन्ड राशि बढ़ाई गई है। बॉन्ड राशि भरना होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज में सालाना 50,000 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 5 लाख फीस ली जाती है। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए कई सालों में राज्य सरकार द्वारा बैंक गारंटी बॉन्ड भरवाए जाते हैं। MBBS व PG दोनों ही छात्रों को गांवों की एक एक साल की सेवा में एवज 10-10 लाख रुपये की बैंक गारंटी का बॉन्ड भरना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए बॉन्ड राशि 5 लाख रुपये होती है। शर्तें क्या क्या लागू है कि MP बोर्ड अभी जो है वो उसको लागू कर चुकी है, तो उन्होंने 12वीं में 75% अंक या CBSE से करने पर 85% अंक जरूरी माना है। माता पिता के सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में 12 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज जहां करीब 1700 MBBS सीटें जो है ये यहाँ पे शर्तें जो है वो लगाई गई है। तो यह एक बहुत अच्छा स्टेप है दोस्तों। वाकई में मध्य प्रदेश ने बहुत ही अग्रणी और अच्छे विचारों से जो है वो इसको लागू किया है, जिससे अब रूरल एरिया भी सॉलिड होगा और वाकई में डॉक्टरों की संख्या वहाँ पर भी अधिक होगी। तो जिसके कारण जो है वो बॉन्ड भरवा लिया गया तो एज वो जो है वो 5 सालों के लिए तो वहाँ पर जो है वो सेवा उसको करनी पड़ेगी। इतने में उसके अंदर से भी जो है वो ये निकलेगा कि हाँ भाई वाकई में मुझे सेवा करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और अब सरकार भरेगी फीस, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। बहुत 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 अच्छी न्यूज़ है। हर एक स्टेट को लागू करना हुआ इसको, अब दबाव बनाएगी इस पर सरकार। एक बार ये कोरोना वाला जो है वो निपट जाए तो उसके बाद में जो है वो इसके ऊपर स्टेप उठाएगी गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत अच्छा जो स्टेप इसने उठाया है, तो इस पर जो है वो ज़रूर ज़रूर ध्यान दें आप। तो बस यही एक न्यूज़ थी जो मेरे को आपको बतानी थी। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, कल मैंने नाइट में एक वीडियो अपलोड की थी, तो आप ज़रूर ज़रूर उसको देखो। वहाँ पे नीट की जो फिक्स डेट जो है वो 29 मैंने बताई है, तो फिक्स है वो, और ज़रूर उसकी देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।